हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। कुछ लोग जो टेस्ट नहीं दिए हैं उनको अपना रीजन मुझे भेजना है, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया। ठीक है, अदरवाइज फिर हम तो पूछेंगे। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डे, यही पढ़े थे ना। और उसने हमने दिया था आपको, अगर वी ए बी बी का डायरेक्शन डिफरेंट दिया हुआ था, मैं तो ज्यादा वी ए बी निकलवाया, फिर आपको बी ए बी दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है, बी बी निकलवाया नहीं। और फिर बाद में हमने किया था रेन मेन प्रॉब्लम। अरे कुछ नहीं था, एक रेन आ गया, एक जगह बी की जगह मेन आ गया, कुछ नया नहीं होने वाला है। रेन मेन एयरप्लेन विंड सब कुछ सेम है, वी ए बी। अब एक स्पेशल टाइप जो हर जगह बुक मिलता है, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो होता है स्विमर रिवर प्रॉब्लम। सो यहाँ पे थ्री कॉम्पोनेंट्स हैं, ग्राउंड रिवर एंड स्विमर। सो बिफोर गोइंग टू डील दिस टाइप प्रॉब्लम विल जस्ट एक्सप्लेन सम टर्म्स। कुछ टर्म्स आता है आपको समझना पड़ेगा क्या है। जैसे हमने लिया टर्म वी एस जी, इसको हम क्या माने? वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया वी एस जी। फिर होता है वी एस आर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या बोट भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। फिर क्या है वी आर जी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेनली ये थ्री टर्म्स हम लोग डील करते हैं, वी एस जी वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी एस आर वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू रिवर, वी आर जी वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेक्टर फॉर्म हमको लिखना पड़ेगा, क्या होगा? वी एस आर वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वी एस माइनस दिया, अरे हाँ नहीं, वी ए बी इक्वल टू वी माइनस वी बी, और यू कैन राइट इट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी एस जी माइनस वी आर जी। और यू कैन ऑल्सो राइट वी एस जी वैक्टर इक्वल टू वी एस आर वैक्टर प्लस वी आर जी वैक्टर। यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? यहां तक किसी कोई समस्या नहीं? ये सब हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब यहां पे कुछ टर्म्स है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखा होता, कुछ लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे आपको दिया वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 10 km पर आवर, वो क्या दिया क्वेश्चन में? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 10 km पर आवर, बोलो क्या दिया हुआ है इस दोनों में से? ये तो है नहीं, रिवर का तो है नहीं, स्विमर का वैसे कौन सा दिया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, फंस गए ना, बोल दो बी एस जी। अगर आप इन्हें मिटा रहा, अगर आपको दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब क्या है? अगर रिवर रुका होता तो उसका स्पीड ये होता। आपको दिया वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिवर रुका होता, अगर वाटर स्टिल होता तो स्पीड 10 km पर आवर होता। ये कब होता? जब वाटर स्टिल होता, मतलब वाटर को रोकना है। अब बताओ, अगर हम ग्राउंड पे खड़े, रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर रुका हुआ है, फ्लो कर रहा है, बट अगर हम रिवर में ही जाके बैठ जाए, अगर रिवर फ्लो कर रहा है उस पर हम जाके एक वुडन बोट पे बैठ जाए, हमारे रिवर रुका हुआ है, चल रहा है, रुका हुआ बिकॉज मेरा स्पीड है जो रिवर का स्पीड है। अगर हम फ्लो के साथ जा रहे हैं, अगर मेरा स्पीड रिवर के स्पीड के रुकल है, मतलब मेरा रिवर रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है। एम आई क्लियर? सो ये क्या है, ये कब है? अगर रिवर रुका होता, मतलब अगर रिवर में बैठे होते, अगर वाटर स्टिल होता तो यह स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज सेम एज वी एस आर। एम आई क्लियर? ये वी एस जी नहीं है, ये क्या है? वी एस आर। कोई डाउट? अगर आपको दिया रहता
सुई मार दिया हुआ है इंजन स्पीड ऑफ मोटर बोट, इंजन स्पीड ऑफ मोटर बोट ये दिया हुआ है। बिफोर गोइंग टू दिस लेट्स ड्रॉ वेक्टर ट्रायंगल। मानते हैं ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रहा है इधर। सो इस डायरेक्शन में क्या है वी आर जी, रिवर फ्लो कर रहा है। अब एक स्विमर जो है वो इधर स्विमिंग करना शुरू किया, वो इधर शुरू किया मीन्स वो चाहा कि हम इधर जाएं। तो बताओ ये क्या है वी एस आर या वी एस जी, मैं इस पे आऊंगा। वो क्या है वी एस आर या वी एस जी? अगर दिया स्विमर वांट्स टू स्विम अलोंग ए बी, स्विमर वांट्स टू स्विम अलोंग ए बी, भाई ये क्या है वी एस आर या वी एस जी? वी एस जी, कहीं गलती करो। अरे स्विमर चाहता है कि ऐसे बी जाए जैक्सन में जाए, बट वो किधर जाएगा उसके कंट्रोल में रिवर साइड का कैसे? अगर ये चाहता है तो ये हमारा वी एस आर है, अगर स्विमर के कंट्रोल होगा तो इधर जाता, स्विमर इधर जाना चाहता है, रिवर इधर फ्लो कर रहा है। सो ये है वी एस आर, ये है वी आर जी। सो फ्रॉम वेक्टर ट्रायंगल ये होगा वी एस जी। आपको लॉजिकल है कि अगर कोई इधर तैरना शुरू किया रिवर उधर फ्लो कर रहा है तो आगे ड्रिफ्ट कर जाएगा, उसको रिवर बहा के जाके मिल जाएगा। अरे थोड़ा फिजिक्स नहीं आती है, माय फेस नहीं आती है, सिंपल बताओ। रिवर उधर फ्लो कर रहा है और कोई आदमी इधर तैरना शुरू किया इसलिए तो आगे फ्लो करवा देगा, रिवर को आगे ड्रिफ्ट करवा देगा, बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको आगे रिवर ड्रिफ्ट करवा लिया। तो स्विमर वांट्स टू स्विम, वो चाहता, अगर उसके कंट्रोल में होता वो चाहता है भाई ये से भी जाना, उसकी इच्छा यही है कि हम बी तक पहुंचे, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। बट रिवर पे कंट्रोल कहाँ है उसका, रिवर तो नहीं चाहता सो गर्लफ्रेंड से मिलाना हो गया, चल उधर चल, अगर मिलना है तो कुछ अकल लगा। क्लियर? क्षितिज को यहां जाके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है और रिवर इधर फ्लो कर रहा है, अगर क्षितिज को फेस आता है वो पहुंच सकता है, बट अगर फेस नहीं आता तो उधर तैरना शुरू करेगा आगे बहुत आगे चला जाएगा। क्राउड है नहीं पक्का? सो स्विमर वांट्स टू स्विम, तो स्विमर अगर स्विम करना चाहता है मतलब वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, वो कहां जाएगा उसके कंट्रोल में नहीं है, ये क्या है वी एस आर। सो अब कोई ग्राउंड पे अगर बैठा हुआ है और स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम करना चाह, जो आदमी ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसके लिए स्विमर का पाथ कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि ग्राउंड पे जो आदमी देखेगा वो देखा स्विमर ड्रिफ्ट कर गया। देखता ना होगा आप समुद्र किनारे बैठे हो, एक मान ले सिंपल ना वुडन बोट जा रहा है, उसको तो उधर उसको ड्रिफ्ट करते रहता है, आपको दिखता सौ पांच चेंज होते रहता है। सो यहाँ पे वो ड्रिफ्ट कर गया तो ग्राउंड पास में बैठा हुआ उधर चला गया। कोई डाउट है? नहीं पक्का? तो स्विमर चाहता है जाना बट उधर जा नहीं पाए, वो इधर जाएगा। तो स्विमर वांट्स टू स्विम, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? ये सब लैंग्वेज आपको क्लियर होना चाहिए, क्या दिया हुआ है वी एस आर। अगर स्विमर वांट्स टू स्विम अलोंग ए बी मींस वी एस आर, या स्विमर हेड्स टुवर्ड्स ए बी, हेड्स उधर जाना शुरू किया मतलब क्या दिया हुआ है वी एस आर, वो जाना चाह यार वहां गया नहीं वो उधर जाना चाह रहा है, अगर दिया हुआ है ये भी, ये सब डिफरेंट लैंग्वेज आपको कंफ्यूज नहीं करना है। स्विमर हेड्स टुवर्ड्स ए बी इज ऑल्सो वी एस आर। अब देखो इंजन स्पीड ऑफ मोटर बोट, एक मोटर बोट उसको हमने डाल दिया रिवर में। अब मोटर बोट का इंजन कार किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट अगेन रिवर उसको चाहेगा कि हम बहा के ले जाएं, रिवर तो रुका हुआ है। अगर इंजन से मतलब ये अगर रिवर रुका होता तो किधर जाता, इंजन कर लेके जाता तो रिवर को रोल नहीं, तो क्या होता वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, ये इंजन स्पीड है VBR है। Am I clear? कोई डाउट है? नहीं तो अब मुझे क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन चलो, ये रिवर इधर फ्लो कर रहा है,
एक स्विमर इस लाइन में आंसू करता है और पहुंच गया सी तक। अब मुझे बताओ एक वुडन बोट पे यहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, राहुल बैठा हुआ है, ठीक है, वो एक वुडन बोट पे रिवर में आया, एक बार नहीं है रिवर के अंदर वुडन बोट पे बैठा हुआ है, तो उसको स्विमर का पास कौन दिखेगा? व्हाट इज द पाथ ऑफ स्विमर फॉर राहुल? ऑप्शन ए ए बी, ऑप्शन बी बी सी, ऑप्शन सी ए सी। व्हाट विल बी पाथ ऑब्जर्व बाय राहुल? व्हाट विल द पाथ ऑफ स्विमर ऑब्जर्व बाय राहुल? ये मोटर बोट नहीं है, वुडन बोट है, सिंपल राफ्ट है, समझ लड़के के ऊपर बैठा हुआ है, कौन सा होगा? राइट क्या होगा? ए बी, बिकॉज इस अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसके लिए क्या दिखा? VSR या VSG, इसके तो रिवर रुका हुआ है यार, जब रिवर में बैठा हुआ है, लकड़ी के रिवर पे बैठा हुआ है, वो तो रिवर के साथ फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए रिवर रुका हुआ है, चल रहा है। अदिति दांत बंद कर, पढ़ाई कर, जब देखो दांत निकाल कर, तो इसके लिए रिवर रुका हुआ है, चल रहा है, इसके लिए रिवर फ्लो कर रहा है। अच्छा अब देखा तो तुम बड़ी हो गई हो, मैं तो भूल गया, अब टेंथ पास करने की नहीं है ना, रिजल्ट नहीं आया तब तक बच्ची है। सो रिवर के साथ ये फ्लो कर रहा है, इसके रिवर रुका हुआ है, और जब रिवर रुका हुआ है मींस इसको दिखेगा वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इसके लिए पाथ क्या दिखेगा इसको? ए बी। और अगर मान लिए यहां पे राजश्री खड़ी है तो उसके लिए पाथ कौन होगा? ये बाहर खड़ी है तो ग्राउंड पे, इसके लिए पाथ क्या होगा? ए सी। Am I clear? किसी कोई डाउट है? नहीं पक्का? ओके। सो ये सब डिफरेंट लैंग्वेज है जो आपको समझना पड़ेगा, कौन दिया हुआ है, VSR दिया हुआ है, VSG दिया हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये फ्लो स्पीड, तो रिवर का स्पीड दिया हुआ है? नहीं, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं बेसिक, फिर आगे बढ़े। ओके रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे मैथ्स में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टील वाटर इज 8 km/h, 8 km/h, ठीक है, देयर आर टू पॉइंट्स इन द रिवर ए एंड बी, दीज टू पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 500 meters, देयर आर टू पॉइंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ रिवर, द फ्लो ऑफ रिवर, दिस बाय डिस्टेंस 5 meters, अ स्विमर, a swimmer goes from A to B and comes back from B to A in eight minutes, then find velocity of flow of river. Option A, Option B. ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या है? रिवर इज फ्लोइंग
in the action as shown in figure, there are two points in the river A and B as shown in figure, separated by distance 500 meters. A swimmer goes from A to B and then comes back from B to A in time 8 minutes, then find velocity of flow of river. फटाफट हो गया ऑप्शन बोल दें 4, 2, 3 नो डाउट चलो नहीं करता सिंपल है अगर रिवर इधर फ्लो कर रहा है दूसरी ऑप्शन में एस्टी वाटर क्या वी एस आर इज 8 km पर लेट्स अज्यूम ब्रस्टर रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्स अब जब वो ए से बी जाएगा तो उस केस में स्विमर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ रिवर तो वी एस जी क्या होगा वी एस आर भी इधर है वी आर जी इधर है दोनों ऐड हो जाएगा यहां पे वी एस जी इक्वल टू हमको पता है वी एस आर प्लस वी आर जी होगा और सिंपल है ये वन बी टाइप है अगर ए टू बी जाएगा तो इधर ही जा रहा है वी एस आर इधर ही है वी आर जी उस केस में वी एस जी क्या होगा इस केस में वी एस जी होगा 8 + x और जब रिटर्न होगा बी टू ए जब बी टू ए जाएगा उस केस में वी एस आर इधर है वी आर जी इधर है सो अब वी एस जी क्या होगा 8 - x इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स ए कोई दिक्कत तो जाने का टाइम क्या होगा ये टाइम टी वन है जाने का इफ इट टेक्स टाइम टी वन टू गो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस में भी 1/2 किलोमीटर 500 1/2 किलोमीटर 1/2 इंटू 8 + x आने का टाइम 1/2 8 - x टोटल टाइम 8 मिनट बस सॉल्व कर दो सिंपल मैथ सर आप लोग सर क्वालिटी में करते हो ना या किस में करते हो क्वालिटी सो टोटल टाइम क्या होगा 1/2 इंटू 8 + x + दिस इक्वल टू 8/60 बिकॉज़ आई फाउंड इन आवर किलोमीटर बाय किलोमीटर पर आवर सो मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हुआ 2/50 टू आते हैं 1/8 + x + 1/8 - x इक्वल टू 4/50 एलसीएम 8 + x इंटू 8 - x 8 - x + 8 + x इक्वल टू 4/50 दिस इज दिस वॉट का आंसर 16 × 15 240 कैंसिल कर देते हैं परेशान होते रहो 16/64 - x² इक्वल टू 4/15 4×4=16 क्या मजा आ रहा है बस मैथ्स के आ रहा है अब यहां से इधर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 इक्वल टू दिस राइट सो x² इक्वल टू 4 सो x इक्वल टू 2 क्या Am I clear? किसी को डाउट है क्या नहीं अब ये सिंपल क्वेश्चन है इस पे बिना फिजिक्स के लोग कर लेते हैं मैथ्स में आप लोग कर लेते हैं अब सर अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कोई डाउट है यहां तक नहीं पक्का ओके सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके एक्चुअली ये क्वेश्चन यूरोप का है तो सिंपल है क्वेश्चन क्या है अ मोटर बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम अ मोटर बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड इट ओवरटेक्स अ राफ्ट एट पॉइंट ए A motor boat going down a stream
overtakes a raft at point A. Overtakes a raft at point A. ठीक है, After some time, it turns back. And meets raft again at distance six kilometer from point A. Then find velocity of flow of river. After some time it turns back, it meets raft again at distance 6 km from point A, then find velocity of flow, assuming duty of engine of motorboat to be constant. A motorboat going downstream overtakes a raft at point A. After some time, it turns back and it meets कुछ डाटा छोड़े हैं क्या? ठीक है, देखो, एक कर लो after some time ने, after 1 hour कर लो, after 1 hour इट टर्न्स बैक मीन्स वो ए पे मिलता है, इसके 1 hour बाद वो अब बैक करता है एंड मेक्स राफ्ट अगेन एट डिस्टेंस 600 फ्रॉम पॉइंट ए, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर. मतलब आपको मान वेलोसिटी ऑफ बोट जैसे वाटर रिमेंस कौन है, इंजन कोई फास्ट स्लो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नहीं क्या? क्वेश्चन क्लियर है? अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरटेक्स अ राफ्ट एट पॉइंट ए आफ्टर 1 hour. मीन्स ये जश्न है, ये इसको over, इसको ये करता है, पास करता है, ओवरटेक करता है, इसके 1 hour बाद ये टर्न बैक करता है, कुदरत गया वो आंसर, उसने टर्न बैक किया एंड मेक्स राफ्ट अगेन एट डिस्टेंस 6 km फ्रॉम पॉइंट ए, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर. फटाफट हो गया. देखो अब यहां पर रिलेटिविटी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन मैटर करता है. एक आप लोग ग्राउंड फ्रेंड से पसीना छूट जाएगा, मैं नहीं करवा रहा हूं, आप खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ग्राउंड फ्रेंड से खुद से ट्राई करना, ये मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आपको करना है ग्राउंड फ्रेंड इस क्वेश्चन को. ठीक है, मैं करता हूं रिवर फ्रेंड से. मैं किस फ्रेंड से कर रहा हूं? रिवर फ्रेंड. मेरा ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है? रिवर या राफ्ट पे बैठा हुआ है. मेरा ऑब्जर्वर रिवर में बैठा हुआ है. अब समझो, अगर रिवर में बैठा हुआ है, उसके रिवर रुका हुआ है, चल रहा है, रुका हुआ है, मतलब उसके लिए मोटर बोट का स्पीड होगा सिंपली इंजन स्पीड, जो कि कॉन्स्टेंट है. अगर हम रिवर में बैठ जाए तो उसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए, फॉर दिस ऑब्जर्वर velocity of motorboat is equal to engine speed. क्यों? क्योंकि इसके लिए रिवर रुका हुआ है और according to question duty of engine is constant, means for this observer velocity of motorboat constant.
मिनिस्ट्री ऑफ मोटर बोट कॉन्सिडेंट, बट अगर कोई ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसके लिए इधर अगर मानते हैं, अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं इंजन स्पीड को और वेलोसिटी ऑफ फ्लो को वाई मान लें, तो ग्राउंड पे बैठे आदमी के लिए जब तक मोटर बोट इधर आएगा, मान ले ए से लेकर वो कुछ सी तक गया और यहां पे टर्न किया और फिर बी पे आके उसे राफ्ट मिला, यही है ना कि वन आर बाद वो ए से सी गया और फिर यहां आया और यहां पे आके इसको राफ्ट मिला, यही तो है। तो जो आदमी ग्राउंड पे बैठा है उसके लिए ए से सी जाने में स्पीड क्या होगा, फॉर ग्राउंड, फॉर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ध्यान देना कंफ्यूज मत होना, फॉर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इफ मोटर बोट गोज फ्रॉम ए टू सी वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विल बी x plus y, where y is velocity of flow of river. हमने y क्या माना है? Velocity of flow of river. Velocity of flow of river. इसको मैं y मान लिया। तो जो अगर observer ground पे बैठा है, उसके लिए a से c जाने speed होगा x plus y, और जब वो c to b आएगा, तो उसका speed होगा x minus y, जो अभी हम लोग किए थे। अभी यही तो किए थे। पिछला क्वेश्चन था। अब तेरा परिणाम कितना हो जाके टर्न के परेशान हो जाओगे, खुश हटा करना, मैं नहीं कर रहा। अब हम रिवर में बैठ गए, अगर रिवर में बैठे हुए हैं तो जहां ए से सी भी उसका स्पीड एक्स है और सी से बी भी स्पीड क्या है, एक्स है। अब रिवर में अगर हम बैठे हुए हैं तो मेरे राफ्ट रुका हुआ चल रहा है, हमारे राफ्ट रुका हुआ चल रहा है, रुका हुआ है। अगर रिवर में बैठे हमारे राफ्ट में इसका लकड़ी का टुकड़ा, चलो हम उसी राफ्ट पे बैठे, हमारे तो राफ्ट रुका हुआ है भाई, और जब राफ्ट रुका हुआ है तो अगर स्पीड भी सेम है आने और जाने का, मतलब अगर वो ए से सी जाके टर्न किया वन आर बाद, तो फिर से सी टू ए आएगा वन आर में। अरे हम रिवर फ्रेम से कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में ए से भी चला गया है, ये किस फ्रेम में हम कर रहे हैं, रिवर फ्रेम में। तो रिवर फ्रेम में तो राफ्ट रुका हुआ है, मतलब राफ्ट से उसको मिलना है मोटरबोट को, फिर ए पे आना पड़ेगा हमारे लिए मेरे फ्रेम में। तो अगर वो 1 आर जाने में लगा, फिर आने में कितना लगेगा, 1 आर ही, क्यों, क्योंकि रिवर फ्रेम में इन मोटर बोट का स्पीड सेम रहेगा, चाहे वो आगे इधर जा रहा है या अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, दोनों के मोटर बोट का स्पीड क्या रहेगा, सेम। वाई क्लियर है, क्योंकि हमारे रिवर रुका हुआ है तो हमारे लिए रिवर फ्रेम में मोटर बोट का स्पीड वही जो उसका इंजन स्पीड है, और इंजन का ड्यूटी बोल दिया क्वेश्चन में कांस्टेंट है, मींस मोटर बोट का स्पीड पूरे इंटरवल जिसमें क्वेश्चन में कांस्टेंट है इन रिवर फ्रेम, और रिवर फ्रेम में राफ्ट रुका हुआ है, तो अगर उसने यहां ओवरटेक किया हमारे फ्रेम उसको मिलने के लिए, फिर यहीं पे आना पड़ेगा मेरे फ्रेम, हम इसको रोक दिए हैं, राफ्ट को रोक दिए, राफ्ट पे बैठ गए, वही तो है, हम ए पे बैठे हुए, हमारे ए रुका हुआ है तो वो यहां से यहां वन आर में गया, उसको फिर मिलने के लिए यहीं आना पड़ेगा, तो अगर जाने का टाइम वन आर तो आने का भी टाइम कितना, वन आर। क्यों वन आर, रिवर फ्रेम से हम देख रहे हैं कि रिवर फ्रेम में मोटर बोट का स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, तो जितना टाइम जाने में डिस्टेंस सेम है उतना टाइम उसको फिर से टर्न होना है ना, उतना ही डिस्टेंस को फिर से टर्न होना है, और स्पीड ही सेम, टाइम भी क्या होगा सेम, टाइम टेकन बाय टोटल टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू मेट राफ्ट अगेन क्या होगा, 2 आवर्स। मोटर बोट फिर से राफ्ट इतने में लेगा 2 घंटे में, 1 घंटा आगे गया और रिवर फ्रेम में इतना लेगा आ गया, उतना लेगा आने आने में भी उसी पॉइंट पे आना है, रिवर फ्रेम में डिस्टेंस सेम है। अगर हम यहाँ पे बैठ गए, मैंने राफ्ट रुका हुआ है, हम राफ्ट पे बैठे हुए हैं, तो एक्स डिस्टेंस गया, फिर उसको मिलने के लिए एक्स ही आना पड़ेगा, हम राफ्ट पे बैठ के देख रहे हैं। सो इसका मतलब यहां फिर से लेगा हुआ, तो टोटल 2 आर बाद वो मोटर बोट और राफ्ट मिलेगा। अब आते हैं ग्राउंड फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें तो उतने 2 आर में ये रियल में, हम तो राफ्ट को रुका हुआ मान ले, राफ्ट पे बैठे, रियल में राफ्ट यहां से यहां आ गया, ए से बी,
रियान जो रिटर्न होके आता है ग्राउंड फ्रेम में, तो वो रिटर्न होके जब आया तो राफ यहां आया कितना, 6 किलोमीटर, कितने देर में, 2 घंटे में, बिकॉज मोटर बोट विल मीट राफ अगेन आफ्टर 2 आवर्स, मीन्स 2 आवर्स में राफ कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। अब वेलोसिटी ऑफ राफ्ट होगा जो कि रिवर फ्लो का होगा, और जब राफ्ट रिवर में रखा हुआ है तो जो रिवर का स्पीड होगा वही राफ्ट का स्पीड होगा, राफ्ट तो रिवर के साथ ही बहेगा यार, उसका कोई अपना स्पीड नहीं, कोई इंजन वगैरह नहीं है, एक लकड़ी का टुकड़ा है वाली है। इसका मतलब है 2 आवर में रिवर का कितना चल रहा, रिवर फ्लो का 6 किलोमीटर, मीन्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर बाय 2 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 3 km/h। एम आई क्लियर? पुट आउट किस तरह से सॉल्व किए, पहले राफ्ट पे बैठ गए, मैं फिर से भौंक रहा हूं एक बार, राफ्ट पे बैठ गए मतलब हमारे लिए राफ्ट रुका हुआ है, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोटर बोट 1 घंटे बाद टर्न करता है, हम यही बैठे हुए राफ्ट पे आराम से, हमारे राफ्ट रुका हुआ है, वो 1 घंटे बाद हमको लगा कि हम रुके हुए हैं, और हमसे मोटर बोट 1 घंटा दूर तक दूर गया, वो एक्शन अगर हमसे दूर गया और हम यहीं बैठे हुए हैं तो उसको फिर से मैं आने में टाइम कितना लगेगा, 1 आवर लगेगा, उसको एक्सी फिर से आएगा, मैं तो रुका हुआ हूं, अगर हमसे वो एक्स डिस्टेंस गया उसको फिर से एक्सी आना है, तो 1 आवर जाने में 1 आवर आने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर, मतलब राफ्ट से मिलेगा वो 2 घंटे बाद, हमने राफ्ट फ्रेम से निकाल दिया। अब ग्राउंड फ्रेम में आते हैं, लिस्ट ऑफ राफ्ट तो निकाल, उस राफ्ट को चलाना पड़ेगा, अब ग्राउंड फ्रेम में उस 2 आवर में राफ्ट कितना चल चुका है, 6 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट 6/2, 3, और जो राफ्ट की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी तो रिवर का है, बिकॉज राफ्ट तो रिवर के साथ ही फ्लो कर रहा है, पुट आउट नहीं तो ऐसा क्या होगा, 3 km/h, फटाफट छापो फटाफट छापो। ओके अब आता है नेक्स्ट, ये आप लोग ग्राउंड फ्रेम से ट्राई करना, ओके अब नेक्स्ट, ये हमारा रिवर है, इसका विड्थ मान लिया डब्ल्यू है, रिवर का विड्थ क्या है, डब्ल्यू, और हमको भी पता है कि अगर कोई स्विमर इधर स्विम करेगा वो आगे ड्रिफ्ट कर जाएगा, तो एक जनरल कह सकते हैं कोई स्विमर इधर थीटा पे जा रहा है, थीटा कैन बी एनीथिंग, आई एम जस्ट टेकिंग अ जनरल केस, थीटा कैन बी एनीथिंग, वो इससे थीटा पे स्विम कर रहा है, इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 90, ये क्या हो गया मेरा वी एस आर, और इधर मेरा है वीआरजी, इधर क्या है वीआरजी, सो अगर वेक्टर ट्रायंगल से देखोगे ये मेरा है वीएसआर, ये है वीआरजी, तो वीआरजी कुछ ऐसा होगा, डिपेंड करेगा डायरेक्शन क्या होगा इस एंगल पे, वीआरजी कुछ इधर होगा, अब वीआरजी हो सकता है ये भी डिपेंड करना है, क्वालिटी बनाया हमें कोई, हो सकता है वीआरजी इसके लाइन में आ जाए, इट डिपेंड्स ऑन दैट थीटा, इतना पक्का है कि अगर हम पैरोग्राम देखें ये वीएसआर है ये वीआरजी है तो वीएसजी कुछ इधर होगा, मींस इसके बाद मैं अगेन बोल रहा हूं वीएसजी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वर्ट अलोंग वर्टिकल लाइन डिपेंडिंग ऑन दिस थीटा, ओके। अब हमको निकालना है कितना टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा, सो अब बताओ वीसा का 2 कंपोनेंट है, एक है VSR cos थीटा along the width of river और एक है VSR sin थीटा, और VSR cos थीटा जो है वो रिवर इस स्विमर को रिवर से क्रॉस करवाएगा, और VSR sin थीटा उसके ड्रिफ्टिंग को रोकेगा, वो VRG के अपोजिट होगा, इधर क्या होगा, इधर होगा अगर ये मेरा थीटा है, इधर होगा VSR cos थीटा ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट होगा वीएसआर साइन थीटा, राइट,
सो कंपोनेंट ऑफ वीएसआर अलोंग विथ वीएसआर कॉस थीटा इन रिलेशन टू वीएसआर साइन थीटा। अब आप ये बताओ ये कंपोनेंट इसको रिवर्स कॉस कर रहा है, ये कंपोनेंट वीआरटी के अपोजिट है, मतलब इसको ड्रिफ्ट करने से रोकेगा। ये जो इधर इसको रिवर्स इधर लाया जाएगा उसको ये अपोज कर रहा है नहीं। तो सिंपल गलती का दो कंपोनेंट है, अगर हमको टाइम निकालना है एक सिंपल थंब रूल, आपको जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है उस डायरेक्शन में टाइम मिल जाएगा। जिस डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है उसी डायरेक्शन वेलोसिटी से हमने वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे स्पीड से, विल गेट टाइम। सो अब बताओ इसका इधर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट से वीएसआर का है, वीआरजी कंपोनेंट आया क्या अलोंग विड्थ ऑफ रिवर, कंपोनेंट ऑफ वीआरजी क्या होगा 90 0। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है स्विमर का, सिंपली वीएसआर कॉस थीटा। बिकॉज अगर वीएसजी का कंपोनेंट भी निकालेंगे इसके अलॉन्ग तो वीएसजी में तो सिर्फ वीएसआर कंपोनेंट आएगा, वीआरजी कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, वीआरजी इस एंगल 90 बना रहा है। तो टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर Width by VSR cos theta, because यही component इसको river cross करवा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके along the width of river सिर्फ component VSR का, वो VSR cos theta, VRG component zero है। तो सिर्फ VSR cos theta है वर्ट कम उसको river cross करवाएगा। तो time taken by swimmer to cross river क्या होगा, W by VSR cos theta। कोई दिक्कत? अब बताओ व्हाट विल बी मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। एक स्विमर का कुछ फिक्स्ड उसका है, वीएसआर गिवन है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, वो थीटा चेंज कर सकता है। एक स्विमर का अपना फिक्स कैपेसिटी है, वीएसआर फिक्स है, मैक्सिमम वैल्यू उसका फिक्स है, क्या उसका हो सकता है, बट वो थीटा चेंज कर सकता है, वो इधर भी स्विम कर सकता है, किसी भी एंगल पे अलग एंगल पे स्विम कर सकता है। तो मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर, मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। अगर हम इस मैथ से देखें, पहले मैथ से देखते हैं, कॉस्ट होता है जीरो माइनस वन से प्लस वन तक, यहां पे चूंकि जीरो से 90 है मेरा एंगल, सो जीरो से वन होगा। अब जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगा टाइम घटेगा, तो टाइम विल बी मिनिमम इफ कॉस्ट इज मैक्सिमम, दैट इज वन। जिस समय कॉस्ट मैक्सिमम हो सकता है उस केस में ये टाइम क्या होगा, मिनिमम। अगर हमको टी को मिनिमाइज करना है मींस कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज वन, सो मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर टी मिनिमम विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी एस आर। और जब कॉस्ट वन है मींस थीटा क्या है, जीरो। मतलब अगर स्विमर बिल्कुल इसके अलोंग स्विम करेगा तो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर जाएगा ए से बी, बट रियल में बी पहुंचेगा क्या, नहीं। और रिवर को क्रॉस करेगा बट रियल में ड्रिफ्ट होके यहां कहीं आ जाएगा, बिकॉज का वीएसआर इधर है, वीआरजी इधर है, तो वीएसजी कुछ इधर हो जाएगा। एम आई क्लियर? बट टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर मिनिमम, अगर वो जीरो डिग्री पे मतलब थीटा जीरो पे अगर अलोंग द विड्थ ऑफ रिवर स्विम करेगा तो जल्दी क्रॉस करेगा, बट डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, कुछ आगे पहुंचेगा, कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा। और लॉजिक से देखो, ये तो हम मैथ्स दिखा, लॉजिक दिखाओ। अगर ये थीटा पे स्विम करना शुरू करता है, समझते हैं, ये अपने वेलोसिटी को दो तरफ यूटिलाइज कर रहा है, एक पार्ट यूटिलाइज कर रहा है इसको क्रॉस करने में और एक पार्ट यूटिलाइज कर रहा है अपने ड्रिफ्ट बचाने में। अब उसका ड्रिफ्ट वहां ना जाए, हमको सिंपली क्रॉस करना है, चाहे कहीं पहुंच जाए वहां पे पैदल चल लेंगे जहां जाना होगा। अब वो पूरी इनर्जी अब
पूरा ताकत जोड़ दिया सिंपली रिवर क्रॉस करने में, वो ड्रिफ्ट को भूल गया, हमको बस जल्दी क्रॉस करना है, मतलब पूरा का पूरा अपना भविष्य लगा दिया किधर, इसके अलावा बस रिवर क्रॉस करने में। अब भी इसके दृष्टि का दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट वो उसको रिवर के अगेंस्ट ड्रिफ्टिंग से बचा रहा है, रिवर उसको उधर फ्लो कराना चाह रहा है, वो उसको अपने आप को उसके अगेंस्ट ले रहा है इस ड्रिफ्टिंग से बचने के लिए। दूसरा कंपोनेंट उसको रिवर के विथ के लॉन्ग आगे क्रॉस करवा रहा है। अब स्विमर्स करके हमको जल्दी रिवर से क्रॉस करना है भाई, जहां ड्रिफ्ट करेंगे यहां से पैदल चल रहे हैं देख लेंगे। अब उसने अपनी पूरी एनर्जी पूरा ताकत पूरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू रिवर लगा दिया, इसके अलावा पूरा वो इधर चलना शुरू कर दिया, वो अपना पूरा कंप इधर दे दिया, इधर स्विम करना चाह रहा है, तो उसको टाइम लेगा मिनिमम, बट रिवर उसको आगे फ्लो करा के जाएगा, वो यहां नहीं पहुंचेगा। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? मिनिमम टाइम, बट रियल में उस समय वो यहां पे नहीं पहुंच के कहीं यहां पहुंचेगा। कितना ड्रिफ्ट करेगा इस केस में? अगर ये मान लीजिए कुछ बी है, वो पहुंच गया सी पे, अगर ये एक्स ड्रिफ्ट किया तो ड्रिफ्ट इस केस में क्या होगा? सिंपल, इसको इधर कौन ड्रिफ्ट करवा रहा है, इधर वेलोसिटी क्या है, चलो जनरलाइज करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जनरल केस में निकालते हैं ड्रिफ्ट, तो मीन टाइम के बेस्ट टू कॉल द रिवर ऑलवेज दिस, एंड मिनिमम टाइम क्या होगा, ये पूछा आता है WYVSR, और ये कब होगा, when swimmer swims across the river, across the width of river, मतलब अगर इसके अलावा स्विम करना चाहेगा तो उसके समय टाइम मिनिमम होगा, बट वो पहुंच जाएगा आगे, ठीक है। अब जनरल को भी लेते हैं कि उस केस में ड्रिफ्ट क्या होगा, किसी भी जनरल केस में ड्रिफ्ट क्या होगा, जनरल केस में ड्रिफ्ट कौन कराएगा, जो ड्रिफ्ट इसके अलोंग होगा, तो इस अलोंग अलोंग द रिवर नेट वेलोसिटी क्या है, एक तो वीआर है और वीएसआर साइन थीटा उसको अपोज कर रहा है, इधर वीआर है और इधर क्या है, वीएसआर साइन थीटा। सो अलोंग द रिवर नेट वेलोसिटी क्या होगा, वीआर माइनस वीएसआर साइन थीटा, हां नहीं, इसके अलोंग वेलोसिटी ये हुआ और इस वेलोसिटी से कितना टाइम में क्रॉस कर रहा है, वो W बाय वी एस आर कॉस थीटा, ड्रिफ्ट क्या होगा, दिस इनटू W बाय वी एस आर कॉस थीटा, ये समझ में आया कि नहीं। सो किसी भी जनरल केस में मेरा ड्रिफ्ट का आया एक्सप्रेशन वी आर, याद नहीं करना आपसे समझो, याद बहुत कंफ्यूज कर दिए, वी एस आर साइन थीटा इनटू W बाय वी एस आर कॉस थीटा। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ड्रिफ्ट करवा रहा है रिवर चाहे ड्रिफ्ट करवाना, वीएसआर साइन उसको अपोज कर रहा है, तो नेट वेलोसिटी ऑन द रिवर क्या हुआ, वीआर माइनस वीएसआर साइन थीटा, तो इतना वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, और कितना टाइम वो रिवर के अंदर रहा, इतना टाइम जितने तो क्रॉस कर गया, सो इतना टाइम में वो कितना चलेगा इस रिवर के अलोंग, दिस इनटू दिस, और इन केस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो, तो जिस समय वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करता उसमें ड्रिफ्ट क्या होगा, उस समय ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट इक्वल टू थीटा जीरो है, सिंपली जगह वी आर इनटू डब्ल्यू बाय वी एस आर। ये ड्रिफ्ट कब होगा, जिस समय कुछ भी याद मत करना, सब याद हो गए तो परेशान हो जाओगे, मैं सिंपल सब निकाल रहा हूं, जनरल इक्वेशन ये है, और जिस समय मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करता है उसमें थीटा क्या था, जीरो, उस समय ड्रिफ्ट ये होगा, उस समय जो ये जो एक्स हम निकाल रहे हैं ये होगा वी आर इंटू डब्ल्यू बाय वी एस आर, बिकॉज उस समय ये कंपोनेंट तो था ही नहीं। ये कब है, ड्रिफ्ट व्हेन स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, जब वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में स्विमर रिवर क्रॉस करता है उस समय ड्रिफ्ट क्या है, वी आर इनटू डब्ल्यू बाय वी एस आर। एम आई क्लियर? सो अभी हमने कहा जनरल टाइम है डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा और ड्रिफ्ट है वी आर जैसा साइन थीटा डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा, आप लिख लियो। हम नेक्स्ट, हम लोग दो केस लेते हैं,
फर्स्ट, VSR इज ग्रेटर देन VR. अरे ड्रिफ्ट जीरो कब होगा? ड्रिफ्ट जीरो कब होगा? ड्रिफ्ट 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 फॉर जीरो ड्रिफ्ट VR इक्वल टू VSR साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू VR बाय VSR. साइन थीटा क्या है? VR बाय VSR. देखो जैसे लेस देन वन बिकॉज VSR VR से बड़ा है. बट अगर VSR, इसको मैं दिखाता हूं फिगर से, इमीडिएट नीचे वाला. सो टाइम टेकन मैक्सिमम टू कॉल द वैल्यू W बाय VSR cos थीटा एंड ड्रिफ्ट इज दिस. कंफ्यूज एकदम? सब सब लोग क्लियर हो? ओके. अब यहां पे देखो, ये मेरा रिवर था. अगर वो इस थीटा से कुछ, अगर ये थीटा ये हो, बेटर टेंगल आपको दिखाते हैं. अगर वो इस थीटा से स्विम करना शुरू किया, VSR ये हो, ये था मैस लाइन. अब आते हैं वेक्टर ट्रायंगल से. वेक्टर ट्रायंगल से देखो, ड्रिफ्ट जीरो करना है मतलब VSG स्केल ऑन करना है. अरे हाँ नहीं, अगर ड्रिफ्ट जीरो मतलब रीगल ने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ए से बी पहुंच गया, मीन्स VSG अलोंग दिस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ए से बी पहुंच गया, तो VSG इज अलोंग दिस बिकॉज ड्रिफ्ट जीरो करना है. अब उस वो कुछ इधर स्विम करना शुरू किया, VSR कुछ थीटा पे, और ये VRG, ये तो मैं वेक्टर ट्रायंगल है. वेक्टर ट्रायंगल क्लियर है ना? अगर ड्रिफ्ट जीरो है मतलब VSG स्केल ऑफ, तभी जीरो ड्रिफ्ट होगा. ड्रिफ्ट मतलब कितना उसको आगे बढ़ा ले गया, तो अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा, ड्रिफ्ट क्या हो गया? जीरो. तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या है? जीरो. वो इधर तैरना शुरू किया और यहां पहुंच गया. ये VSR प्लस VRG VSG. अब इस ट्रायंगल से भी देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, दैट इज VRG बाय VSR. ये तो आ रहा है, ये निकाला मैं से, निकाला वेक्टर ट्रायंगल से, दोनों से सेम के सारा है. अगर हमको ड्रिफ्ट को जीरो काटना है मतलब स्विमर को कुछ ऐसा चलना पड़ेगा कि अल्टीमेटली VSG स्केल लॉन्ग हो जाए. जब स्केल लॉन्ग हो गया तो ट्रायंगल बन गया राइट एंगल, बिकॉज ये VRG और VSG एंगल 90 हो गया. अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपली सी साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, यही चीज तो आ रहा है. बट अगर VSR VR से कम हो, कभी ड्रिफ्ट जीरो कर पाएगा? अरे VR कभी अपोज ही नहीं कर पाएगा, वो कभी रोक पाएगा क्या? अगर स्विमर का VSR, देखो ना साइन थीटा मूल्य बन जाएगा, अगर VSR VR से छोटा हो वो कभी भी ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर पाएगा, कभी भी ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर पाएगा अगर VSR VR से छोटा हो जाए. ड्रिफ्ट कांट बी जीरो, ये कभी भी अपने ड्रिफ्ट को जीरो नहीं कर सकता है. भाई रिवर ज्यादा तेज चल रहा है, उसको तुम अपोज कर ही नहीं पाओगे, चाहे तुम कितना भी चलो. अगर पूरा पूरा तक इधर जोड़ो, ध्यान दो इधर VR है, इधर VSR है, अगर हम तुम पूरा तक ड्रिफ्ट रोक, ड्रिफ्ट को कम करने लगा दो, अगर पूरा रिजल्ट लगा देगा VSR, तब भी रिवर आगे बहा ले जाएगा. अगर तुम्हारा VSR VR से छोटा हो जाएगा, छोड़ दो हमको नहीं करना है क्रॉस, भाई हम पूरा तक लगा के हमको ड्रिफ्ट को रोकना है, हमको आगे तरफ फ्लो नहीं करना है, हमने अपनी पूरी एनर्जी पूरा व्यवस्थित झोंक दिया, तब भी VR बढ़ा है हमको बहा ले जाएगा. राइट? सो कभी भी ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगा, तो हमको ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना. तो ड्रिफ्ट की क्या था? ये था, ये मेरा ड्रिफ्ट का इक्वेशन था. मान लिया ड्रिफ्ट है कुछ एक्स, ये जनरल ड्रिफ्ट का इक्वेशन था. नाउ फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट विल अप्लाई कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम. आप लोगों को रजनी सर पढ़ाए हुए हैं, वी हैव टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, एंड फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट यह वेरिएबल क्या है? थीटा. VSR फिक्स है, VR फिक्स है, वो क्या चेंज कर सकता है? थीटा. वो थीटा को वेरी करेगा, मीन्स फॉर्मुला ड्रिफ्ट डी एक्स बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो. उसे अपना ड्रिफ्ट मिनिमाइज करना है थीटा को वेरी करके. सो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो. इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको ये आएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना, वो आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू VSR बाई VR. मैं सिंपल कैसे याद रखता हूं इसको, साइन टाइप को छोटा वाई बड़ा, यहाँ पे छोटा कौन था? बी आर. बड़ा कौन है? साइन टाइप का लेस देन वन होना है ना, साइन टाइप का वाई लेस देन वन.
तो जब वीआर छोटा है जीरो ड्रिफ्ट हो सकता है, जब वीआर बड़ा हो गया जीरो ड्रिफ्ट नहीं होगा। नो ड्रिफ्ट कब होगा? छोटा बाय बड़ा, छोटा कौन है? वीएसआर बड़ा कौन है? वीआर। एम आई क्लियर? आपको अरे लॉजिकल है यहां पर। अगर वीएसआर स्विमर का स्पीड रिवर के स्पीड से कम है, वो कभी रिवर को पूरा अपोज नहीं कर पाएगा, इसको रिवर बहा ही ले जाएगा, तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। ड्रिफ्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज के लिए हम यहां पर लगा रहे हैं कंडीशन ऑफ मिनिमा। ये आप लोग पढ़ चुके हो, डिफरेंशियल वाला लेक्चर आपको सर करवाए हैं। तो फॉर्मूला ड्रिफ्ट dx / dt इक्वल टू जीरो, इसको डिफरेंशिएट के कहां से sin टाइम इक्वल टू vsr / vr। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो ये हुआ मिनिमम ड्रिफ्ट का केस। और अगर वीएसआर वीआर से बड़ा है तो जीरो ड्रिफ्ट कर सकता है, और उसको करने के लिए उसको इस एंगल पे रिवर से, रिवर के विड्थ से इस एंगल पे उसको तैरना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं? बस यही पूरा स्टोरी था। हमने क्या क्या देखा? जनरल टाइम क्या था? t इक्वल टू w बाय वीएसआर cos थीटा, सिंपल, बिकॉज जो विड्थ अलोंग द विड्थ ऑफ रिवर है वेलोसिटी है वीएसआर cos थीटा, नेट वेलोसिटी वही है, वही वेलोसिटी उसको रिवर क्रॉस करवाएगा। सो टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर इज w बाय वीएसआर cos थीटा। और उसको वेलोसिटी कौन सा ड्रिफ्ट करवा रहा है? vr उसको चाह रहा है ड्रिफ्ट करना, vsr sin का चाह रहा है अपोज करना। तो नेट वेलोसिटी फॉर ड्रिफ्टिंग इज vr - vsr sin थीटा। सो ड्रिफ्ट विल बी नेट वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर। सो इतना ड्रिफ्ट हो रहा है, ये जीरो कब हो जाएगा? जब ये टर्म जीरो हो जाए, जीरो। बट अगर वीएसआर वीआर से छोटा है, कभी भी ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो पाएगा। तो इस एंगल पे जब वो साइन थीटा इक्वल साइन कॉस वीएसआर बाय वीआर पे जब वो तैरेगा, उस केस में उसका ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। ड्राइंग्स को छाप लियो। कोई डाउट इसमें? किसी कोई डाउट है क्या? ये पूरा क्लियर होना चाहिए, आगे क्वेश्चन तो बन जाएगा। अगर आपको ये क्लियर है, कुछ नहीं आपसे बन जाएगा। अगले क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे अच्छे अच्छे, कुछ नेटिव वेलोसिटी का, कुछ टर्मिनलिटी वेलोसिटी, कुछ मिनिमम सेपरेशन 2D में अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे सारा। मैं क्वेश्चन रोका ही लेगा, अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा अगले क्लास में। बस एक क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे, बस चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर इज 500 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 km/h एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर respect to ground is 3 km/h. Okay? Okay. Then, first question. If swimmer swims at angle, reverse flow kar raha hai, reverse flow kar raha hai, at angle 150 degree with flow of river, then find time taken by swimmer, then find time taken by swimmer to cross the river. If swimmer swims at angle 150 degree with flow of river, then find time taken by swimmer to cross the river. Option A. Six minutes, 12 minutes, 10 minutes,
A swimmer swims at an angle 150 degree with flow of river, then find time taken by swimmer to cross the river. आपको डाटा यहाँ दिया हुआ है, VSI 5 km per hour, VRG 3 km per hour. हो गया? ओके, अब मैं करता हूँ. आपको एंगल क्या दिया हुआ है, मतलब स्विमर जो है स्विम करना कर रहा है 150 डिग्री, तो ये पूरा 150 है और ये 90 है, तो उसका इससे कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, 60. मीन्स सीधा कितना दिया हुआ है, 60. राइट, सो टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा. अब तो ड्राइव कर सकते भाई, इधर कुछ क्या है, डब्ल्यू द कंपोनेंट क्या होगा, वी एस आर कॉस थीटा. सो डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा, बट इट डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है, वेट 500 हाफ किलोमीटर, बट इट वी एस आर 5 cos 60 half, that is 1 by 5 r, that is equal to 12 minutes. Am I clear? कोई डाउट है किसी को? नहीं, आंसर क्या होगा, 12 मिनट. नेक्स्ट, बिल्कुल सेम टाइप करा जाऊं, आपको टाइम ले रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्विमर स्विम्स एट एंगल 53 डिग्री विथ विड्थ ऑफ रिवर देन फाइंड ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर. Then find drift of swimmer. आप लोग मैं भी कर रहा हूं, वन बाय सिक्स किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, वन बाय सिक्स किलोमीटर अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर, वन किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, 1 kilometer opposite to the flow of river. Note: Swimmer swims at angle 53 degree with the river, then find drift of swimmer. कितना वो drift करेगा? मतलब वो जो opposite point से कितना drift करेगा? उसके just opposite point पे अगर वो पहुंचता, उससे कितना drift करेगा? इस बी से कितना ड्रिफ्ट करेगा, जब वो ए से तैरना शुरू किया वो बी से कितना ड्रिफ्ट करेगा. हो गया, ओके, करते हैं. हम इधर पॉजिटिव मान रहे ड्रिफ्टिंग के लिए, तो हमने कितना इधर, अगर हम इधर मानते हैं ड्रिफ्टिंग हो रहा है, इधर पॉजिटिव मान रहे थे, तो मेरा ड्रिफ्ट क्या आया था, इधर ड्रिफ्ट क्या लिए थे, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इनटू टाइम डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा. किससे एंगल, विथ से, विथ से एंगल दिया हुआ है हमारे फॉर्मूला में, एंगल थीटा किससे था, विथ से, और अभी विथ से ही एंगल दिया हुआ है. एम आई क्लियर? और इस समय हमने उधर पॉजिटिव मारा, हमने वी आर को बड़ा मान के उधर ड्रिफ्ट निकाला है. ये ड्रिफ्ट की डायरेक्शन में है, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर. ये ड्रिफ्ट की डायरेक्शन में है, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, पर हमने वी आर को बड़ा माना है. वी आर ले जा रहा है फ्लो के डायरेक्शन में, और वी एस आर साइन थीटा ले जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में.
ये अपोज कर रहा है ये अपने डायरेक्शन में, हमने इसको बड़ा माना, मतलब हमको किधर देगा, ड्रिप देगा इन द फ्लो ऑफ रिवर, दिस ड्रिप विल बी अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर। वैल्यू पुट करो, वीआर कितना है 3, वीएसआर 5, साइन 53 इंटू डब्ल्यू बाय वीएसआर 5 कॉस 53 अगर टाइम पूछता तो डायरेक्ट यहां से निकल जाता 1/6 नहीं, अगर पूछता कितना टाइम में क्रॉस क्या होता है डब्ल्यू बाई वीएसआर कॉस्ट है, कॉस्ट क्या होता है यहां पे कॉस्ट 53, बट यहां पूछा ड्रिप ठीक है आया 3-5 इंटू 4/5 इंटू 1/2 और ये कितना आएगा 3। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं पक्का? ओके तो -1/6। व्हाट डू यू मीन बाय माइनस साइन? माइनस साइन का मतलब है कि ये फ्लो के अपोजिट ड्रिफ्ट किया, मीन्स रियल में कुछ यहां पहुंच गया, ड्रिफ्टिंग है बट इसके आगे नहीं इसके पीछे ही रह गया, ये बी के पीछे रह गया। बी ड्रिफ्टिंग जो है वो अगर नहीं था ड्रिफ्ट जीरो तो कहां जाता, बी पे जाता। अभी वो बी से रिवर के फ्लो डायरेक्शन में, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग है। एम आई क्लियर? उट मतलब वो बी से 1/6 किलोमीटर पीछे रह गया रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है ना? मैं आपको बोला था वीएसजी क्या हुआ डिपेंड्स ऑन थीटा, आपका थीटा भी 53 है तो वीएसजी इधर ही रहेगा। ये मेरा अभी मेरा क्या वेक्टर ट्रायंगुलर बनाएंगे इस केस में, तो ये मेरा वीएसआर है, ये मेरा वीआरजी है और इस केस में ये मेरा वीएसजी रह गया, वो इधर ही रह गया वीएसजी। एम आई क्लियर? ये हो गया मेरा वीएसआर, देखो ये है मेरा वीएसआर स्टेडियम मान लो, ये है मेरा वीआरजी और वीएसजी इधर ही रह गया, इसको क्रॉस नहीं किया, इसके पीछे ही रह गया बिकॉज यहां माइनस, इस ड्रिफ्टिंग एज -1/6 किलोमीटर, इसका मतलब है वो बी से 1/6 किलोमीटर रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाटा ये दोनों फिक्स है, दोनों भी सेम है, वही तक भी 500 मीटर है। अभी मेरा वही प्यारा सा रिवर है, मैं यही क्वेश्चन आपको सारा कॉन्सेप्ट करवाता हूं। क्वेश्चन है थर्ड, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, ऑप्शन ए 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 12 मिनट्स, ऑप्शन सी 6 मिनट्स, ऑप्शन डी मोटा। फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, फटाफट फटाफट हो गया सिंपल। अभी किए मिनिमम टाइम क्या होगा, जब थीटा क्या हो जाए 0, तब इट डब्ल्यू बाय वी एस आर, सो डब्ल्यू क्या है 1/2, व्हाट इज वी एस आर 5, मैं जाऊं उसके सब का कंफ्यूज करो और आपका कंफ्यूजन बाद में क्लियर हो जाए 6 मिनट्स। अरे बस दो ही फॉर्मूला तो किए थे, टाइम टेकन बाय स्विमर बाय डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा एंड ड्रिफ्ट इज वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इनटू डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा, उसी का सारा कुछ कर रहे हैं।
टाइम हो जाएगा, कॉस्ट वन हो जाएगा, डबल कर दिया सर, क्या हो जाएगा 6 मिनट। एम आई क्लियर? किसी को डाउट है क्या? नहीं? ओके नेक्स्ट। फाइंड ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर व्हेन ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम। फाइंड ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर when he crosses the river in minimum time. Option A 500 meter. Option B 300 meter. Option C 0. Option D nota. You have to find drift of swimmer when he crosses the river in minimum time. Simple, फटाफट करो, फटाफट करो। अगर वो minimum time में river cross करता है तो कितना drift होगा? हो गया? देखो formula क्या था? कुछ नहीं याद करना, बस दो ही formula याद कर रहे हैं। और वो भी तो derive कर सकते हैं। Vr minus Vsr sin theta into W by Vsr cos theta. ये था time. टाइम तो है एफ इक्वल जीरो, तो थीटा इक्वल टू जीरो है ना। सो वी आर कितना है 3, ये साइन जीरो जीरो हो गया, डब्लू 1/2, वी एस आर 5 कॉस 0/1, दैट इज 3 × 1/10, 3/10 किलोमीटर, दैट इज 300 मीटर। एम आई क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं ना? पक्का? आंसर क्या जाएगा 300 मीटर। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मैं आपको ले जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यही पूछ सकता है। फिफ्थ, एट व्हाट एंगल with flow of river swimmer should swim? अच्छा लार्ज एक्शन में बेटा किस एक्शन में ड्रिफ्ट आया? अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर। तो लार्ज एक्शन में ड्रिफ्ट क्या है? प्लस 300 मीटर। लार्ज एक्शन में क्या है ड्रिफ्ट? प्लस 300 में दैट ड्रिफ्ट इज अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, इसके आगे। एट व्हाट एंगल फ्लो ऑफ रिवर स्विमर शुड स्विम to reach directly opposite point on another bank of river. At what angle flow of river swimmer should swim to reach directly opposite point on another bank? Option A 37 degree, option B 53 degree, option C 127 degree, option D 143 degree, option D swimmer never reaches to directly opposite point. क्या हो बोलो, कर देने गलती? ओके अगर उसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है राइट, तो उस केस में उसका ड्रिफ्ट क्या होगा? जीरो। सही बोल रहा हूं, ड्रिफ्ट क्या होगा? जीरो। तो ड्रिफ्ट को जीरो करना है, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? मैं बार बार कुछ भी याद नहीं कर रहा, मैं हमेशा ड्रिफ्ट आपको दिखा रहा हूं। ड्रिफ्ट क्या है?
वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू का वेस। अब ड्रिफ्ट जीरो कब होता, अगर वी एस आर वी आर से बड़ा है, बड़ा है तो ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, कब, जब ये टर्म जीरो हो जाए। मीन्स वी आर इक्वल टू वी एस आर साइन थीटा, सो साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाय वी एस आर। व्हाट इज वी आर, वी आर इज 3, वी एस आर इज 5, सो व्हाट इज थीटा, 37। ये 37 एंगल किससे आए, ये 37 डिग्री है विड्थ ऑफ रिवर्स, ये 37 डिग्री एंगल किससे है, ये एंगल हमने थीटा माना था, ये 37 इससे आया है, और हमने पूछा फ्लो ऑफ रिवर्स ये 90 है, कि पूरा एंगल कितना होगा 127, तो आंसर क्या होगा 127। एम आई क्लियर, ये 37 डिग्री एंगल किससे है, ये विड्थ ऑफ रिवर्स है, इससे ये एंगल है, तो ये 37 है, हमने पूछा फ्लो ऑफ रिवर्स कितना होगा, 127 आंसर होगा, क्लियर, ओके। कितना नंबर था बताने, एक स्विमर reaches directly opposite point on another bank, then find time taken by swimmer, then find time taken by swimmer to cross the river। If swimmer reaches directly opposite point on another bank, then find time taken by swimmer to cross the river। ठीक है? Okay। Option A। Six minutes। Option B। 10 minutes। ऑप्शन सी 7.5 मिनट्स, ऑप्शन डी नोटा। एक स्विमर रीचे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन अनदर बैंक, देन फाइंड टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर, हो गया। तो जब भी ये क्वेश्चन है, अगर वो जा रहा है डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे, मीन्स उसका ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट क्या है इस केस में, जी। इफ स्विमर रीचे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन अनदर बैंक, इन दैट केस व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट इज जीरो। अगर ड्रिफ्ट जीरो है तो इस केस में अब हम निकालते हैं थीटा क्या होगा, अभी निकाल लिए थे, अब से क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, बट अभी निकाले साइन टाइकल 3/5 टाइकल 37 डिग्री, जब अभी निकाले थे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो स्टैंड निकाल लेते हैं कि ड्रिफ्ट को जीरो करना है, मीन साइन टाइ इक्वल टू वी आर बाई वी एस आर, दैट इज 3/5 37 पर हमने निकाल लिया, क्लियर। ऐसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में निकलवाया था, बट अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन था पहले क्या निकालते, थीटा, ये निकल गया, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा, डब्ल्यू कितना है 1/2, वी एस आर 5, कॉस थीटा 4/5 1/8 आर, दैट इज 7.5। Am I clear? कोई दिक्कत नहीं? Okay। यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्विमर गेट्स इल, बीमार हो जाता है,
due to which fin velocity in still water decreases to 1.5 km per hour. Then find at what angle which flow of river he should swim for minimum drift. At what angle he should swim with flow of river for minimum drift? Option A, 127. Option B, 30. Option C, 120 degree. Option D, clear? स्विमर बीमार हो गया तो उसका वेलोसिटी स्टिल वाटर में डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 1.5 km पर आर। तो अब उसे कितना एंगल पे स्विम करना चाहिए फ्लो ऑफ रिवर से कि उसका ड्रिफ्ट मिनिमम हो, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए। हो गया, ओके। अब बताओ कौन बड़ा है? अब ये तो अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज अब वीएसआर क्या हो गया है, अब मेरा VSR हो गया है 1.5 के ऊपर। अब तो बीमार पड़ गया भाई, अब उतना उसका ताकत नहीं रहा, डिक्रीज कर दिया। सो VSR VR में कौन बड़ा है? VR। सो अब कभी ड्रिफ्ट जीरो होगा क्या? बिकॉज नाउ VR इज ग्रेटर देन VSR, सो ड्रिफ्ट कांट बी जीरो। सो उसको ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है, एंड फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट हमने डिराइव किया था छोटा वाई बड़ा साइन थीटा इक्वल टू, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट साइन थीटा इज इक्वल टू छोटा, छोटा कौन है? बी एस आर बाई वी आर 1.5/3 हाफ साइन थीटा इक्वल टू हाफ, सो थीटा इक्वल टू 30। थीटा किससे है? विड्थ ऑफ रिवर से। ये थीटा किससे है? इससे। हमने पूछा किससे है? फ्लो ऑफ रिवर से। तो क्या होगा 90 + 30 120। एम आई क्लियर? इस केस में ये ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकता है। कितना ड्रिफ्ट करेगा उसको? फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट। इसी क्वेश्चन में अगर दे दे, देन फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर। इसी क्वेश्चन में देन फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर then find minimum drift of swimmer। ये क्वेश्चन है। स्विमर गेट्स एल ड्यू टू व्हिच हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर रिड्यूस डिक्रीज टू 1.5 km पर आवर, देन फाइंड मिनिमम ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर। अब मिनिमम ड्रिफ्ट पूछा, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? ये vr माइनस vsr sin थीटा इनटू w बाय vsr cos थीटा। अब आपको पहले निकालना पड़ेगा मिनिमम ड्रिफ्ट थीटा क्या होगा। अभी हमने निकाले थीटा 30 था, ये पहले निकालना पड़ेगा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट व्हाट विल बी थीटा, राइट? पहले निकालेंगे जो अभी हमने निकाले थे, थीटा किस एंगल है? इस विड्थ ऑफ रिवर से। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट ये फॉर्म थीटा इक्वल टू 30, अभी हम थीटा पुट कर देते हैं, सो ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? VR, VR कितना है? 3 माइनस VSR 3/2 इंटू साइन 30 हाफ इंटू W 1/2 VSR 3/2 cos 30 √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, दिस मच किलोमीटर विल बी ड्रिफ्ट। एम आई क्लियर? कोई डाउट? और इसे पॉजिटिव पूछा है, 3 बड़ा है, 3/4 को छोटा है, सो ये B से कुछ आगे जाएगा, along drift will be along the flow of river। उट देखा,
साइन टाइम इक्वल टू वी एस, साइन टाइम इक्वल छोटा वाई बड़ा, तो वी आर वाई वी एस आर आ गया, सॉरी वी एस आर वाई वी आर 1.5 बाय थ्री इज 1 बाय 2, थ्री इक्वल टू 30, थ्री इक्वल टू 30 पे ड्रिफ्ट मिनिमम है, थीटा 30 पुट कर दिए, सो वी आर माइनस वी एस आर साइन 30 इंटू डब्ल्यू बाय वी एस आर कॉस थीटा। यहां तक किसी को डाउट नहीं? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके सो हमने आपको सारा बेसिक क्वेश्चन करवा दिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सारा जितना कुछ पढ़े सब पे मिला के रिलेटिव वेलोसिटी इंक्लूडिंग रिवर बोट पे करेंगे, कुछ और अलग टाइप करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस पे करेंगे, और कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे पूरे क्लास में, ठीक है? ओके और लास्ट क्लास काइनेटिक्स का, नेक्स्ट क्लास काइनेटिक्स का लास्ट क्लास होगा, ठीक है? ओके बाय बाय।